हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है RRB JEE मैकेनिकल का सेट और एसएससी JEE में भी 100 क्वेश्चन आएगा और RRB JEE में भी CBT 2 में 100 क्वेश्चन आपका ट्रेड से आएगा। तो ये मैकेनिकल ट्रेड का है। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा और बहुत सारे पार्ट आएंगे इसके। तो अगर आप दूसरे ट्रेड का है तो आप दूसरे ट्रेड का है तो आप कमेंट में लिखे कि कौन सा ट्रेड का आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उसका मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये है, तो इसमें जो है क्वेश्चन 100 है और क्वेश्चन 500 से चालू होगा, 600 तक जाएगा। यह क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन आईडी है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का पेपर है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड इकोसिस्टम, तो जो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो कौन सा है? ग्रेसलैंड। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ है और कैंडिडेट आंसर, तो करेक्ट आंसर पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द नंबर ऑफ लिंक विच इज रिक्वायर्ड टू फ्रॉम काइनेमेटिक चेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पेयर। तो लिंकों की संख्या जो एक शुद्ध गतिक चेन को बनाने के लिए जरूरी है, उनके जोड़ों की संख्या का पी के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो आई बराबर 2P-4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लिंक एंड ज्वाइंट इन द मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर। द टोटल लिंकों और जोड़ों के, तो लिंक जो है इसमें 4 है और जोड़ा जो है 3 है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म सोन इन बिलो, ठीक है। ये जो आकृति में दिखाए गए तंत्र के स्वतंत्र कोटि क्या है, तो 2 है इसमें, तो 2 आंसर मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, द ग्राफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन द बर्तन आघूर्ण आरेख का ग्राफ किसके बीच बनता है? तो ये बनता है क्रैंक एंगल एंड क्रैंक रेडियस। क्रैंक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्रैंक इफोर्ट एंड क्रैंक एंगल, ठीक है। क्रैंक इफोर्ट एंड क्रैंक एंगल, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक भाप इंजन के गतिपाल चक्र का द्रव्यमान 1 मीटर और विघूर्ण त्रिज्या जो है 3250 kg है। इनकी शुरुआती बल आघूर्ण 4500 न्यूटन मीटर है। तो गतिपाल चक्र का कोणीय त्वरण जो क्या होगा? तो कोणीय त्वरण इसका सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल है, तो 1.38 आएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं तो हम सॉल्व करने लगेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप का आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप बोलिएगा तो अगले वीडियो में हम इसका बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, घिरनी समतल बेल्ट द्वारा चलाई जाती है और बेल्ट में उत्पादित अधिकतम तनाव 1400 न्यूटन है। तो बेल्ट का घनत्व 1000 kg/m³ है। तो 100 मिलीमीटर चौड़ी और 5 मिलीमीटर मोटी है। अधिकतम शक्ति के लिए बेल्ट की गति m/s में क्या होगी? इसको सॉल्व करेंगे तो 30.55 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द रोटरी इंटरनल कम्बक्शन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ, तो जो घूर्णी आंतरिक दहन इंजन का उत्क्रमण क्या होता है? तो ये जो होता है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के तंत्र पर काम करता है, ठीक है, एकल स्लाइडर क्रैंक तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं कि आपका द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो एक समान घिसने के सिद्धांत में दबाव वितरण क्या होता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है रेडियस के, जो त्रिज्या के व्युत्क्रम अनुपातिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरिज, जब घर्षण स्तर नया हो तब घिसाव अनुसार बदलता है, द डायरेक्टली टू रेडियस, सीधे त्रिज्या के अनुसार ये बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रेडियस डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल टू द टॉप ऑफ टूथ नोन एज, तो ये एक दांत का पिच चक्र से लेकर उसके ऊपर तक के अर्धव्यासी दूरी क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आपका एडेंडम कहलाता है। जो आप गियर में देखे होंगे, ये बियरिंग में जो होता है आपका, उसमें एडेंडम टिडेंडम होता है, तो वहीं आपको ये है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्टेक्ट रेशियो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन संपर्क अनुपात के बारे में सत्य है? तो संपर्क, तो ये जो होगा आपका वेरीज डायरेक्टली टू लेंथ टू दी आर्क टू ऑफ कॉन्टेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कुलर पिच, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर, पेंडुलम गवर्नर का कौन सा प्रकार है, तो वाट गवर्नर जो होगा ये आपका पेंडुलम गवर्नर का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर डज नॉट हैव इन सेंट्रल लोड अटैच टू देयर स्लीव्स, निम्नलिखित में किस पर गवर्नर के पास अपनी स्लीव में केंद्रीय भार जुड़ी नहीं है, तो ये जो वाट गवर्नर है इसमें केंद्रीय भार जुड़ी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाट विल बी द वर्टिकल हाइट ऑफ ए वाट गवर्नर इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन इज 80 RPM। ठीक है, तो यदि घूर्णन की 80 RPM है तो वाट गवर्नर की ऊंचाई क्या होगी, तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो इसको 0.14 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस द साइज ऑफ द कैम, तो साइज कैम के साइज को कौन परिभाषित करता है, तो बेस ऑफ सर्किल जो होता है आपका वन, बेस ऑफ सर्किल जो होता है इसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टर्म इज यूज फॉर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन ए बॉडी, तो एक शरीर पर सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपका लोड। ठीक है, भार का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द बीम, तो निम्न में से कौन सा बीम की लंबाई पर नहीं लगता है, तो ये जो पॉइंट होता है बिंदु ये नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म स्टेट्स द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, जो प्रतिबल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलीमीटर दिया होता है, ये यही सही होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वाज पोजिलेटेड बाय, तो अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर होगा ट्रेस्का के द्वारा। ठीक है, फोर। नेक्स्ट देखते हैं, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ द एंड आर फिक्स्ड इज, दोनों सिरों का स्थाई स्तंभ की समतुल्य लंबाई क्या है, तो 1/2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सलेंडर्स रेशियो ऑफ द कॉलमन इज, तो स्तंभों का सलेंडरनेस अनुपात जो होता है ये किसके अनुपात में होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ, प्रभावी लंबाई के सीधे अनुपातिक। नेक्स्ट देखते हैं, रैंकिंग थ्योरी इज अप्लीकेबल टू द, रैंकिंग सिद्धांत किस पर लागू है, तो ये जो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलमन जो होता है कॉलम, ये दोनों लघु और लंबा स्तंभ जो होता है ये उस पर लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज इनकरेक्ट अबाउट द लॉन्ग कॉलम, तो निम्न में से कौन सी मान्यता लंबे स्तंभ के बारे में गलत है, तो ये जो द मटेरियल इज नॉन होमोजेनियस एंड एंटी एनिस्ट्रोफिक, जो सामग्री गैर सजातीय और विषमदैशिक है, ये इसके जो आपका लॉन्ग कॉलम के बारे में गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ द वॉल ऑफ द दिस सिलेंडर इफ इट हैज डायमीटर ऑफ डी, थिकनेस ऑफ टी एंड द गेज प्रेशर इन द सिलेंडर इज पी, तो एक पतले सिलेंडर की दीवार पर अधिकतम अपरूपण प्रतिबल क्या होगा, अगर इसका व्यास डी और टी की मोटाई और सिलेंडर का गेज दबाव पी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PD/8T। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर हैविंग हुप स्ट्रेस ऑफ 200 MPa, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल 2 GPa एंड रेशियो पोजन रेशियो जो है आपका 0.25 है, तो पतले सिलेंडर में आयतनिक विकृति क्या है, अगर परिधीय प्रतिबल 200 MPa और प्रत्यास्थ गुणांक 200 GPa है और पॉइजन अनुपात जो है 0.25 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1000 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिजाइन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड इज, जब बाहरी ताकतों को हटाते हैं तब सामग्री के गुण इसके द्वारा विरूपण अपने बाद अपने मूल आकार में दोबारा आ जाता है, वह है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है यह गुण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट शियर
द करेक्ट शियर फोर्स ऑफ डायग्राम द कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम इज, जो भुजोत्तोलक धरन की पूरी लंबाई पर समान रूप से वितरित भार के लिए अपरूपक बल का जो आरेख होगा इसमें से कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये है, ठीक है। सबसे पहले वाले जो आंसर है इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट फ्री एंड डब्ल्यू प्रति यूनिट लेंथ एट द फिक्स्ड एंड। तो जो भुजोत्तोलक बीम के लिए सही बंकन आघूर्ण आरेख क्या है जब उसमें अलग अलग रूप से वितरित भार लगा हो और जिसका माप स्वतंत्र कोने पर शून्य एवं स्थिर कोने पर डब्ल्यू प्रति यूनिट हो, तो कौन सा होगा इसका? तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये दो वाला होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, रोड ऑफ डायमेंशन 20 mm इंटू 20 mm इज कैरिंग एन एक्सल टेंसाइल लोड ऑफ 10 kN, द टेंसाइल डेवलप्ड इज, जो टेंसाइल कितना विकसित होगा, 20 × 20 mm आयाम के एक रॉड 10 kN के अक्षीय तनन लोड ले रहा है, विकसित तनन प्रतिबल क्या होगा? तो ये 25 MPa जो होगा आपका टेंसाइबल स्ट्रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, ठोस शाफ्ट के घूर्णीय जो जड़त्व आघूर्ण के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो ये जो आंसर होगा इसका जे बराबर होगा आपका π/16 π/32 d^4, ठीक है। तो ये दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ एन PV डायग्राम इज, तो PV आरेख का तीसरी बिंदु क्या है? तो एक जो रेखा होगी इसका आंसर होगा PV आरेख पर तीसरी बिंदु एक रेखा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंट्रोपी ट्रू, निम्नलिखित कथन में एंट्रोपी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो जो सबस्टेंस इन सॉलिड फेज हैज द लीस्ट एंट्रोपी, ठोस चरण में पदार्थ की न्यूनतम जो एंट्रोपी होती है, ठोस चरण में पदार्थ की न्यूनतम एंट्रोपी होती है, यही ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ द कोप ऑफ कार्नट रेफ्रिजरेटर इज 4, देन द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द कार्नट इंजन वुड बी, तो अगर कार्नट रेफ्रिजरेटर का कप जो है 4 है तो कार्नट इंजन की उसमें दक्षता होगी, ये आपका 0.2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 150 K एंड 300 K द एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस्ड बाई द कार्नट इंजन ड्यूरिंग हीट एडिशन इज 1 kJ/K, द वर्क प्रोड्यूस्ड kJ बाय द इंजन इज, तो जो ये आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा 150, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सोर्सेज एट 200°C एंड रिजेक्ट हीट 25° रिसीव्स 5 kW ऑफ हीट, वर्क डन ऑफ दिस इंजन इज इक्वल टू 0 kW, डज द सेटिस्फाई द इनक्विलिटी ऑफ सेल्सियस, जो सेल्सियस देखिए एक उष्मा इंजन जो 200°C के स्रोत पर काम करता है और 25°C पर त्याग उष्मा त्याग कर देता है तो 5 kW उष्मा प्राप्त करता है, इस इंजन के लिए काम 0 kW के बराबर है, क्या यह क्लियरेंस की असमानता को संतुष्ट करता है? यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन आइडियल गैस विथ हीट कैपेसिटी रेशियो ऑफ 2 इज यूज फॉर आइडियल ऑटो साइकिल विच ऑपरेट्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 200 K एंड 1800 K है, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द साइकिल मैक्सिमम वर्क आउटपुट, तापीय धारिता दो वाले आदर्श गैस का आदर्श प्रयोग ऑटो चक्र में किया जाता है जो 200 K और 1800 K के न्यूनतम अधिकतम तापमान के बीच संचालित हो रहा है, अधिकतम काम उत्पादन के लिए चक्र का संपीड़न अनुपात क्या होगा? तो ये 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें ऑटो साइकिल एयर कंप्रेशन फ्रॉम 3 L टू 2.4 L फ्रॉम ए स्टार्टिंग प्रेशर ऑफ 1.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, द नेट आउटपुट पर साइकिल इज 400 kJ, व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो किलो पर पास्कल जो केल्विन पास्कल में होगा आपका,
किलो पास्कल ऑफ द केल्विन नहीं, किलो पास्कल ऑफ दिस साइकिल, जो एक ऑटो चक्र में 1.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रारंभिक दबाव में 3 लीटर से 2.4 लीटर तक संकुचित हो जाती है, तो प्रति चक्र उत्पाद 400 किलो जूल के तो मध्य प्रभावी दाब जो होगा क्या होगा किलो पास्कल में, ठीक है, तो ये 667 किलो पास्कल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक संपीड़न ज्वलन इंजन में एक दहन होता है, द कम्बक्शन इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, तो ये हेट्रोजोनियस जो होता है आपका, ये सब विजातीय होता है इसमें दहन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिलेशन इज द बेसिक ऑफ मोलर डायग्राम, ठीक है, कौन सा संबंध मोलियर आरेख का आधार है, तो ये टी बराबर जो होता है आपका H/S, ये वाला जो आंसर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला होल्ड ट्रू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुखापन अंश के लिए सही है, तो ये जो आपका MV/MV+M1 जो होता है ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए सूत्र है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, विच गैस विल प्रोड्यूस द हाइएस्ट इफिशियंसी इन ए आइडियल ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, कौन सी गैस एक आदर्श ऑटो चक्र में समान संपीड़न अनुपात के लिए उच्चतम दक्षता का उत्पादन करेंगी, तो जो आप हीलियम है वो उच्चतम हायर इफिशियंसी को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन माइल मोल मोलियर डायग्राम द आइसोथर्म इज द सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स, तो जो मोलियर आरेख में कम दबाव पर स्थित क्षेत्र में समताप रेखा कैसा हो जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी होल्ड ट्रू, तो अगर प्रणाली से शून्य ऊष्मा त्याग की जा रही है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होंगे, तो ये जो जब कुल कार्य ऊष्मा अवशोषित के बराबर हो कार्य दक्षता 100% होगी, ऊष्मा केवल ऊष्मा के आदान प्रदान की जा रही है, ये केल्विन प्लैंक कथन का उल्लंघन है, ये ऑल ऑफ द एबव जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्लिसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट आर, तो जो क्लिसियस कथन और केल्विन प्लैंक कथन है ये क्या है, तो ये जो टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम के दो समानांतर कथन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द सेम हीट एडेड एंड द सेम कंप्रेशन रेशियो, समतुल्य ऊष्मा और समतुल्य संपीड़न अनुपात के लिए क्या होगा, तो ये ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल, ऑटो चक्र का डीजल चक्र से अधिक प्रभावी है, ये आप ग्राफ इसमें होता है कि ये PV, एक PV होता है, ठीक है, समान आयतन और समान दर डीजल और पेट्रोल के तुलना की जाती है ग्राफ पर, अगर आप वो ग्राफ पढ़ लेंगे तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, द एनर्जी रिजेक्टेड बाई द इंजन एक्ट ऑफ द इन आउटपुट ऑन अदर रिवर्सिबल इंजन एट टेम्परेचर T2 विच रिजेक्ट एट टू रिजर्वायर एट टेम्परेचर T3, वाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3, तो जो रिलेशन होगा आपका T2 जो होगा √T1 × T3 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा समीकरण किस प्रणाली के पूर्ण ऊष्मा को परिभाषित करता है, तो ये U+PV/G होता है, ये पूर्ण ऊष्मा अर्थात इन्थैल्पी को ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच गैस कैन अटेन द हाइएस्ट इफिशियंसी टू द सेम कंप्रेशन राइज, कौन सी गैस सामान्य संपीड़न वृद्धि के लिए उचित तम दक्षता प्राप्त कर सकती है, तो ये आपका एक परमाणु गैस जो है मोनोएटॉमिक गैसेस जो ये आपका कंप्रेशन जो सेम कंप्रेशन राइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए क्लूसियस थ्योरम ऑफ द रिवर्सिबल पाथ इज सब्स्टिट्यूट बाय द एक क्लूसियस प्रमेय में परिवर्ती पथ को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ये आपका रिवर्सिबल आइसोथर्म प्रतिवर्ती समताप रेखा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कौन सा संबंध एक अपरिवर्तनीय और संभव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, विच ऑफ द रिलेशन इज रिप्रेजेंट एंड इन इरिवर्सिबल एंड इम्पॉसिबल प्रोसेस, ठीक है, तो ये आपका phi × dQ/T जो होगा वो छोटा होगा 0 से, यही जो होगा अपरिवर्तनीय और संभव प्रक्रिया को प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका किसमें टिन निश्चित रूप से मिश्र धातु तत्व नहीं है, तो ये बैबिट धातु, सफ़ेद धातु और टंका, ये सभी में आपका
ठीक है, वाइट मेटल आपका। तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें टिन निश्चित रूप से एक मिश्र धातु नहीं है, तो ये व्हाइट मेटल में आपका मिश्र धातु टिन जो है नहीं है उपस्थित। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट अपियर्स है, तो माइक्रोस्कोप के तहत फेराइट ऐसा कैसा दिखता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका व्हाइट दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर इज ऑब्टेंड बाई ये अजम टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये उस संचरण उस उष्ण प्रशोधन की जो अस्टेम्परिंग प्रक्रिया से प्राप्त होती है, तो क्या होती है, तो ये बेनाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्री हीटिंग इज इसेंशियल इन वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यक है प्री हीटिंग के लिए, तो कास्ट आयरन की उसमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट इज द लोएस्ट फॉर, निम्नलिखित में किसका गलनांक न्यूनतम है, तो ये आपका कास्ट आयरन का गलनांक जो होता है आपका न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आमतौर पर घर के बर्तन बनाने किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीलियम का। ठीक है, और जो हवाई जहाज में भी यही प्रयोग होता है, ऊपर के चादरा जो बनता है मैग्नीलियम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बॉल बियरिंग आर जनरली मेड ऑफ, तो बॉल बियरिंग किससे बना जाता है, तो वो आपका कार्बन क्रोम स्टील से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसमें कार्य को कठोर करने की उच्च प्रवृत्ति होती है, तो ब्रश में जो होती है कार्य करने के हाई टेंडेंसी टू वर्क फॉर हार्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कठोर जानने वाला पदार्थ हार्डेस्ट जो नॉन मटेरियल है, ये डायमंड आपको पता ही होगा, सबसे कठोर पदार्थ डायम हीरा है। नेक्स्ट देखते हैं, आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका एक्सक्यूलर ट्यूस्टाइट के द्वारा जो आपका आइसोथर्मली हार्डनिंग ऑपरेशन, ठीक है, हार्डनिंग जो किया जाता है ये आपका एक्सक्यूलर ट्यूस्टाइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लूड इज ए सबस्टेंस विच ऑफर्स टू रेसिस्टेंस टू चेंज अप, तरल पदार्थ है जो इसके बदलने में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो आपका आकार में इसका परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो जो पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और न्यूनतम भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये परफेक्ट गैस, एक आदर्श गैस कौन सा है, ठीक है, जिसका हैज कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी, अचर संयंता हो, शून्य संयंता हो, सीपीडी हो, ये नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए फ्लूड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन, साम्यावस्था में तरल पदार्थ निम्न में से क्या कायम नहीं रख सकता है, तो ये आपका शियर स्ट्रेस जो है आपका ये कायम नहीं रख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मोनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, तो मोनोमीटर के लिए बेहतर तरल पदार्थ संयोजन वह है जिसमें क्या होगा, तो ये सरफेस हायर सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द रिजल्टेंट अपवर्डेड प्रेशर ऑफ द फ्लूड ऑन एन इम्प्रेस्ड बॉडी इज कॉल्ड, किसी डूबी हुई वस्तु पर तरल पदार्थ की परिणामी जो है ऊर्ध्वमुखी दबाव कहलाता है, तो ये आपको कहलाएगा ब्यूनेसी उत्प्लावकता। ठीक है, यहाँ है कि भी बराबर जी है 0.0022 t -1.8/t इज द इक्वेशन ऑफ डिटरमाइन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाई, तो यह समीकरण के द्वारा द्रव के गतिक श्यानता निर्धारित करने के लिए क्या आपको करना होगा, तो ये सेबोल्ट इन्वर्सल विस्कोमीटर है। ठीक है, सेबोल इन्वर्सल श्यानमापी के द्वारा हम इसको निर्धारित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन ए क्लीन ग्लासेस ट्यूब ऑफ ए 1 मिलीमीटर बिफोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये 1 मिलीमीटर बोर के एक कांच के पानी भरी हुई ट्यूब में 20 डिग्री सेल्सियस पर केशिका वृद्धि लगभग होगी, तो केशिका वृद्धि जब लगभग होगी एक आपका 30 मिलीमीटर होगी, ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, द राइज ऑफ डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब टू सरफेस टेंशन विल बी इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब विल बी, तो ये ट्यूब के आकार में वृद्धि के साथ ट्यूब में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य में वृद्धि या अवनमन क्या होगा, तो ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन आइसोथर्मल एटमोस्फियर द प्रेशर इज, तो किसी समतापीय वायुमंडल में दबाव जो होता है आपका वेरीज इन द सेम वेज
एज द डेंसिटी, घनत्व के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ राइज ऑफ प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर ऑफ ए ग्रिड एंड नॉन इलास्टिक पाइप कैरिंग वाटर ऑफ डेंसिटी जो है आपका ये है एंड बुल्क मॉडल के विल बी इक्वल टू। तो जो ये आपका घनत्व, अब किसी अनमय और गैर प्रत्यास्थ नली जिसमें प्रवाहित होने वाले पानी का घनत्व पी है तो और थोक माप काम के है में जल आघात के कारण दाब में होने वाली वृद्धि के परिणाम किसके बराबर होगा। तो ये आपका आंसर जो होगा ये होगा केवल आपका के जो होगा के बटा में रूट अंडर घनत्व पी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द फॉलो ऑफ एनी फ्लूड रियल और आइडियल मस्ट फुलफिल द फ्लोइंग, किसी द्रव्य का प्रवाह जो होगा वास्तविक आदर्श निम्नलिखित को पूरा करना होगा। तो ये टू द कंटिन्यूली जो होगा आपका इसका इक्वेशन होगा, संतत्य समीकरण होगा। ठीक है, आपका लगातार जो ये समीकरण होगा यही आपको वास्तविक और आदर्श को निम्नलिखित रूप से पूरा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अधिकतम निर्वहन के लिए परिपत्र चैनल के सबसे लाभप्रद खंड प्राप्त होना जहां डी परिपत्र खंड का व्यास है। ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ सर्कुलर चैनल ऑफ और मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्चार्ज ऑफ इज ऑब्टेन व्हेन वेयर द डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो ये आपका इसमें हो जाएगा एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आपका अगर पानी की गहराई 0.95 डायमीटर हो डी हो, ठीक है, वाटर पर मीटर जो है 2.6 डायमीटर, गोलिक के परिधि जो है आपका हाइड्रोलिक माध्यम की गहराई 0.29 डी हो, तभी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बोर्डा का मुहनाल है। ठीक है, बोर्डा माउथ फ्लेसिस, तो ये जो है आपका ये शॉर्ट सिलेंडर ट्यूब प्रोजेक्टिंग इनवर्ड हैविंग लेंथ ऑफ 1/2 डायमीटर, एक लघु बेलनाकार ट्यूब आदर का आर अपेक्षित होती हुई जिसकी लंबाई व्यास की आधी होनी चाहिए। ठीक है, द क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रांतिक वेग जो होता है आपका क्या होता है, वेलोसिटी अबव विच ऑफ द फ्लो केसेस टू बी स्ट्रीमलाइन्ड। तो वेग जिसके ऊपर प्रवाह सुव्यवस्थित बंद कर देना है वही आपका क्रांतिक वेग है। नेक्स्ट देखते हैं रिनॉल्ड्स नंबर ऑफ नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज, तो भी जो होगा मीन वेलोसिटी होगा, ये जो होगा आपका छोटा भी काइन मेट्रिक विस्कोसिटी और पी जो होगा रेशियो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वाटर पर मीटर। तो इसका जो आपका सुव्यवस्थित बंद होना किस फार्मूले की तरह हो से होगा, तो ये आपका जो आंसर होगा आपका ये होगा वी इंटू 4P बटा में छोटा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ टू डायमेंशनल फॉलो ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ विस वेलोसिटी आर गिवेन बाई यू बराबर एक्स, तो वी बाई द स्ट्रीम लाइन्स विल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ, द्वार आयामी प्रवाह के मामले में वेग के घटक यू बराबर जो होगा एक से भी बराबर बी वाई तो द्वारा किया जाता है, तो प्रवाह की श्रेणी में शामिल होगा, तो ये आपका हाइपरबोलिक कर्क होगा, अति परवलीय चाप बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप डिपेंड्स ऑन, जो पाइप का घर्षण गुणांक निम्न किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो फ्लूड ऑफ डेंसिटी और विस्कोसिटी, ये सभी पर आपको ऑल ऑफ द करेक्ट है, तो ये सभी पर आपको निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ फॉलो फ्रॉम द टैंक इन विच वाटर लेवल इज H1 टू अनदर टैंक हैविंग लेवल H2 विल बी प्रोपोर्शनल टू, एक टंकी जिसके पानी का स्तर H1 और दूसरे टंकी के पानी का स्तर H2 है, इस पर प्रवाह के समय किसके समानुपाती होगा, तो ये आपका आंसर जो होगा आपका डी होगा। ठीक है, H1 के पावर 3/2 माइनस H2 के पावर 3/2। चलो नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट STD इन फॉर्म फॉलो, तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई जो समान प्रवाह दर्शाता है, तो ये फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट कॉन्स्टेंट रेट, जो एक लंबे पाइप से अचर दर से प्रवाह होता है वही एक समान प्रवाह दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेजीज इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन, चेजी के समीकरण किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए फॉलो इन ओपन चैनल, देखिए एक खुले चैनल में प्रवाह के वेग को चेजी का समीकरण इक्वेशन को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लफ बॉडी इज द बॉडी ऑफ सच ए शेप दैट प्रेशर ड्रैग एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन ड्रैग इज, ए ब्लफ बॉडी में एक ऐसे आकार का वस्तु जिसके दबाव ड्रैग घर्षण के ड्रैग की तुलना में क्या होना चाहिए, ये मोर होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर बेस्ट हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एन
चैनल इट डेप्थ शुड बी इक्वल टू, एक खुले चैनल के सबसे अच्छे हाइड्रोलिक आयताकार अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ परिच्छेद के लिए इसकी गहराई निम्न में से किसके बराबर होनी चाहिए? तो ये आपका गहराई जो होनी चाहिए हाफ ऑफ द वेद, चौड़ाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए शार्प एजेस ऑफ और फिश इज द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो ये जो आपका एक तेज धार छिद्र के वेग गुणक का मान निम्न में किस क्रम का होगा? तो आपका इसमें से आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्चार्ज ओवर ए शार्प एंडेड एजेज रेक्टेंगुलर नॉर्थ ऑफ विच डब्ल्यू डेप्थ एच इज इक्वल टू, तो जो डब्ल्यू डेप्थ जो है आपका एच जो है किसके इक्वल के बराबर होगा? नुकीले छोर वाले आयताकार नॉच की इसकी चौड़ाई डब्ल्यू है और गहराई एच है, निष्कर्ण किसके बराबर? जो एच जो बराबर होगा आपका है ये 2/3 सी डी डब्ल्यू रूट अंडर 2g एच के पावर 3/2 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ए लिक्विड रोटेट्स एट कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस एज ए रिजिड बॉडी द प्रेशर इज, तो जब द्रव ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर अचर कोणीय वेग से कठोर वस्तु के समान घूमता है तो दबाव क्या होगा आपका? वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ए रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। रेडियल दूरी के वर्ग के भिन्न भिन्न वर्ग के रूप में भिन्न होता है जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्चार्ज थ्रू ए सेमी सर्कुलर वेयर इज प्रोपोर्शनल, जो अर्ध परिपत्र मेड़ के निष्करण किसके समानुपाती होता है? तो आपका इसमें जो आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस, जो वे एच बटा -3/2, ठीक है, इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं द रेट ऑफ चार्ज ऑफ ए मोमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट द, संवेग आघूर्ण के बदलाव की दर दर्शाती है, तो कौन सा दर्शाती है? तो टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूड, तरल प्रवाह के द्वारा बल आघूर्ण जो होता है मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रवाह का पृथक्करण तब होता है जब दाब की प्रवणता जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? तो आपका शून्य की ओर पहुंचता है, ऋणात्मक हो जाता है, वाष्प गठन शुरू होने के मान तक घटता है। इसमें से आपका जो आंसर होगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थ्रू एन ऑर्फिस इज, तो ये आपका एक छिद्र के माध्यम से वास्तविक निस्सरण का और काल्पनिक निस्सरण का अनुपात जो होगा इसका आपका सी सी इंटू सी बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोक इज प्रोड्यूस्ड बाई, कोयला एक उत्पादन है किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये कोक जो कैसे उत्पादन होता था, कोयले को 48 घंटे तक बंद पतली में हवा अनुपस्थिति में लगातार जोरदार हीटिंग करेंगे, स्ट्रांगली हीटिंग कोल जो कंटिन्यूली है आपको अबाउट 40 आवर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन क्लोज्ड विजल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेंट 0.8 kg ड्राई स्टीम इट ड्राइनेस फ्रिक्शन इज, 1 kg भाप के नमूने के 0.8 kg सूखी भाप होती है, इसकी शुष्कता भिन्न होती है 0.8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एट विच प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर का द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम आइडेंटिकल, ठीक है। किस दबाव पर किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पानी और भाप गुण समान हो जाते हैं? तो 225.6 डिग्री 6 पर जो होगा आपका ये दोनों का गुण समान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्चन बॉयलर एक है, तो कॉर्चन बॉयलर जो है वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ट्यूब बॉयलर है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डायमीटर ऑफ ट्यूब्स फॉर ए नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर एज कंपेयर टू ए कंट्रोल सर्कुलेशन बॉयलर इज, नियंत्रित परिसंचरण क्वथनित्र का तुलना में प्राकृतिक संचलन क्वथनित्र की नालिका का व्यास क्या होगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा मोर होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं सुपरचार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो सुपरचार्जिंग जो होता है हवा को इंजन के अंदर अधिक से अधिक प्रवेश कराना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्लाइंग द इंटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एंड डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमोसफियर, जो आसपास के वातावरण के घनत्व से अधिक घनत्व पर इंजन को हवा के भेजना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
द एक्युमुलेशन ऑफ ए कार्बन इज इन सिलेंड्रल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ, बेलन के कार्बन के संचय होने के कारण परिणाम स्वरूप भिन्न निम्न में से किसमें वृद्धि होती है, तो ये इफेक्टिव कंप्रेशन जो रेशियो होगा उसमें आपका बदलाव आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ ए सल्फर इन ए डीजल फ्यूल आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट मे कॉज द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन सा गलत है कि डीजल ईंधन में सल्फर के अत्यधिक मात्रा का आपत्तिजनक, क्योंकि इसमें भिन्न निम्न में से यह हो सकता है, यह गलत है, डिटोनेशन नहीं होगा आपका, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ ए सुपर चार्जर ऑफ ए फोर साइकिल डीजल इंजन या फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कैन रिजल्ट इन द फ्लोइंग परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, अगर चार चक्र वाले डीजल इंजन में सुपर चार्जर की स्थापना के कारण इसमें प्रति वायु की जो प्रतिशत वृद्धि होगी कितना से कितना हो सकती है, तो आपका जो आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस होगा, इसमें लगभग आपका 30 से 35% तक होता है, ठीक है, इसमें 35% तक दिया है, ठीक है, तो इसमें से नन ऑफ दिस होगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑन द इंजेक्टर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द नोजल टिप शुड बी, ठीक है, अंतःक्षेपक पर कार्बन के निर्माण रोकने के लिए नोजल टिप का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये कितना कितना बीच में होना चाहिए, तो बिटवीन 250 से 300 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और इसका पार्ट जल्दी आए, ताकि मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।